हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। इस चैनल पर मिलती है आपको एग्ज़ाम में आने वाले सब्जेक्ट्स की वीडियोस। अभी अभी रेलवे की रिसेंटली वैकेंसी निकली है लोको पायलट और टेक्नीशियन की। उसमें जो सिलेबस है वह है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। तो जीएस की मैं आपके लिए पैरेलल सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री के दो पार्ट अभी तक डाल दिए हैं और आज से मैं वोकैब की सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपको मिलेगी वोकेबुलरी, क्योंकि वोकेब से आपको इंग्लिश लर्निंग में इजी होगा और क्वेश्चन को अटैम्प करने में आसानी होगी। तो आगे चलने से पहले, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल लर्निंग हाउस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वोकेब का पार्ट वन, जिसको मैं नाम दिया है लर्न वोकेब विद ट्रिक। मैं थोड़ा फास्ट इस वीडियो को लेकर आऊँगा, जिससे आपका टाइम कम कंज्यूम हो और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को सीख सकें। तो वोकेब का पार्ट फर्स्ट मैं लेकर आया हूँ, जिससे हम वर्ड सीखेंगे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के नाम से। अमिताभ बच्चन का ए, अमिताभ बच्चन क्या है? मेहनती हैं। ए से अमिताभ बच्चन, ए से मतलब मेहनती हैं, अभी तक इस एज में वर्क करते हैं। तो इस ए का क्या बनता है? ए से एसीड्यूअस। इस ए को याद रखना है, ए से बनता है एसीड्यूअस। एसीड्यूअस मीन्स होता है हार्ड वर्कर, मेहनती। अब इस एसीड्यूअस को हम खोल करके लिख देंगे वर्ड को और इसकी मीनिंग देख लेंगे। इस ए से बन गया एसीड्यूअस, इस एस से बन गया स्टूडियस, ये सब सिनोनिम एक दूसरे के। इस एस से बन गया सेडुलस, नेक्स्ट वर्ड से बन गया इंडस्ट्रियस, डी से बन गया डिलीजेंट, यू से मिल गया अनटायरिंग, ओ से मिल गया ओपेरोस, यू से मिल गया अनफ्लैगिंग, एस से स्टडी। ये सब मीनिंग सिनोनिम्स हैं मेहनती के। आपको ये वीडियो दो या तीन बार देख लेने के बाद सारे मीनिंग याद हो जाएंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कुछ अन्य मीनिंग है प्लॉजिंग, टॉयल, पेनिस्टेकिंग, एक्टिव, इन सब का मीनिंग है जो दर्द सहता है उसके बावजूद काम करता है, मेहनती है, हार्ड वर्कर है, डिलीजेंट है, जो मन लगा कर काम करता है, वो सब के मीनिंग है एसीड्यूअस। एसीड्यूअस की मीनिंग हमने देख ली है, उन सब के हम सिनोनिम्स भी याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। एक बार आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। अब मेहनती का एंटोनिम क्या हो सकता है? जो कि क्या आलसी है, जो कि स्लो है, कोई काम नहीं करता, बेकार है, तो उसके एंटोनिम भी देख लेते हैं। इसके ऊपर आप एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, यू शुड बी एसीड्यूअस इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, यू हैव अ सेड्यूलियस एटीट्यूड कैन ओपन द डोर ऑफ सक्सेस, ठीक है। नाउ द एंटोनिम्स ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का एंटोनिम क्या होगा? एक जो लेजी है, स्लो है, आइडल है, मतलब बेकार है। तो ये सब सिनोनिम आपको याद रखने हैं। अब इससे भी देख लेते हैं हम कैसे मीनिंग याद रख सकते हैं। एस से स्लो, इस एल से लेथार्जिक, ओ से ऑटियोज, डब्ल्यू से वर्बशाई, ठीक है। हो गए चार मीनिंग याद, एक वर्ड से चार मीनिंग याद बन गए हमारे। इस आइडल से भी याद कर सकते हैं, आई से आइडल, डी से डोरमेंट, एल से लगार्ड, ई से ईस्फुल, जो हर चीज़ में ईजीनेस चाहता है, काम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, वो सब मीनिंग हमने इन सब से देख लिए। तो हमें हार्ड वर्किंग के ये आठ मीनिंग के अपोजिट पता चल गए, हार्ड वर्किंग के अपोजिट। एंटोनिम की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो ये सिनोनिम्स हैं किसके? लेजी, स्लो और आइडल के, ठीक है। कुछ और मीनिंग भी देख लेते हैं। आई एस आई एस टी, आई से इनएक्टिव, एस से स्लजिश, आई से इंडोलेंट, एस से स्लोथफुल, टी से टॉर्पिड। और कुछ अन्य मीनिंग है गागा, गागा, जाजा कुछ भी बोल सकते हैं इसको, व्यर्थ, पिकेयुन मतलब निकम्मा। ये सब मीनिंग थे, सिनोनिम्स थे ये सब बेकार के, लेजी के, स्लो के, और एंटोनिम थे हार्डवर्किंग के, डिलीजेंट के, वर्कशाई के, ठीक है। वर्कशाई नॉट वर्कशाई, वर्कशाई इज द लेजी, एसीड्यूअस, स्लोथफुल, उन सबके ये थे एंटोनिम, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद इतने मीनिंग ईजिली याद हो गए होंगे। इस वीडियो को दो या तीन बार देख लीजिएगा डाउनलोड करके, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। इस वीडियो में बस इतना ही, कल मैं लेकर के आऊँगा वोकैब टू का, वोकैब टू, जिसमें हम कुछ और नई ट्रिक्स के साथ वोकैब को याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।